भारतीय फुटबॉल प्रशंसक तब भड़क उठे जब एक विवादास्पद रेफरी के निर्णय ने कतर को एक अनुचित गोल की अनुमति दे दी, जिससे भारत का अभियान फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स में समाप्त हो गया। प्रशंसकों ने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर इस निर्णय को स्पष्ट धोखाधड़ी करार दिया और रेफरी पर भारत को तीसरे दौर में आगे बढ़ने का मौका छीनने का भी आरोप लगाया। गौरतलब है कि कतर के खिलाफ जासिम बिन हमद स्टेडियम में 2-1 की हार के साथ भारत का क्वालिफायर अभियान निराशाजनक रूप से समाप्त हुआ। ये मैच भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने 19 वर्षों में पहली बार अपने प्रतिष्ठित पूर्व कप्तान सुनील छेत्री के बिना खेला।